खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही गर्मी, प्रचंड गर्मी के कारण मरीजों की संख्या एकाएक वृद्धि हो रही है। हालात यह है कि पिछले एक माह पहले तक सामान्य मरीजों की संख्या 400 तक सिमटी हुई थी, वहीं इसमें एक माह में बाद ही 1.5 से 2 गुना वृद्धि हो गई। इतना ही नहीं कि जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा ही 500 तक पहुंच गया है, जबकि स्टाफ 500 बेड के मुताबिक नहीं है। जिला अस्पताल को 500 बेड का तो कर दिया गया था, लेकिन उस अनुपात में स्टाफ और सुविधाएं नहीं है। मौजूदा कार्यरत चिकित्सा स्टाफ ही मरीजों का इलाज कर रहा है। जिला मुख्यालय पर दूसरे शहरों के मुकाबले तापमान वैसे भी अधिक रहता है, वहीं पिछले एक पखवाड़े से पड़ रही तेज गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। जून माह की शुरुआत में लॉकडाउन के खुलते ही लोग घरों से बाहर निकलने लगे थे, ऐसे में दोपहर में लू की चपेट में आ रहे हैं। इस कारण लोगों में उल्टी, दस्त, बुखार, पेट दर्द की समस्या बढ़ गई है, जिससे आउटडोर में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी ओर भर्ती मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। जिला अस्पताल के वार्ड ओवरलोड हो गए, वार्डों में बेडों की क्षमता से 1.5 से 2 गुना मरीज भर्ती हो रहे हैं। हो रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि दोपहर के टाइम पर बाहर नहीं निकले। अनलॉक के चक्कर में लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और गर्मी का शिकार हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनका मैक्सिमम उपयोग में लेकर उन मरीजों की हम लोग सेवा कर रहे हैं, और मरीजों की संख्या इसी में काफ़ी हमारे पास में बढ़ गई है और सारे